मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलने वाला ये प्लांटर आप आसानी से अपने घर में काफ़ी कम, हाँ जी काफ़ी कम कीमत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। करीब मुझे इसमें बनाने में 20 या 25 रुपीज़ लगे होंगे या उससे भी कम। इतनी आसानी से हम इसको अपने घर में ही रेडी कर सकते हैं, वो भी घर की पुरानी चीज़ों से और थोड़ी सी कुछ क्रिएटिविटी से। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका डेली लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये एक खाली पाउडर का डिब्बा, इसका जो ऊपर से कवर है वो मैंने निकाल दिया है और इसकी केप को हटा दी है और जो थोड़ा सा पोर्शन रहता है उसको अच्छे से इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी, आप इसकी जगह PUP या सेरेमिक पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। यह मैंने ली है अराउंड 1 कप के लगभग और इसमें 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है फेविकोल और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस तैयार पेस्ट को हमें या नाइफ़ या आप स्पून, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उसकी मदद से इस तरह से जो हमने डिब्बा कट किया था उसके ऊपर अप्लाई करना है और इसको एकदम स्मूथ फिनिश देना है या धीरे धीरे आप कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप फिंगर की मदद से भी इसको इस तरह से स्मूथ कीजिए और जो पीछे का पोर्शन था उस पर भी मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है ताकि यह जो हमारे सेरेमिक के पॉट मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से दिखे। इसका एक कोट करने के बाद हम इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे और फिर डबल से कोट करेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। बचे हुए पेस्ट को मैं इस तरह से एक पॉलीथीन ले लूँगी जो हमारे घर में किसी भी प्रकार की हो आप ले सकते हैं और उसमें भरकर इस तरह से इसको कोन तैयार कर लूँगी कुछ इस तरह से, जो आगे हमारे डिज़ाइन बनाने में काम आएगा। अगर आप इसकी डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह कलर से भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर डबल कोट करके अच्छे से स्मूथ कर लिया था, अब इस पर कुछ क्रेक्स आ गए उसको हम फिल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा पेस्ट रेडी किया है, क्वांटिटी हमारी वही थी जो पहले मैंने ली थी, इसमें बस पानी कम डाला है और इसको इस तरह से हाथ से स्मूथ किया है, फिर मैंने इसको इस पर जो भी क्रैक्स थे उस पर अप्लाई किया है पानी की हेल्प से और इसको अच्छे से स्मूथ कर दिया है। इसके जो कॉर्नर को भी पुट्टी से अच्छे से राउंड शेप देके फिनिश कर देंगे और ये देखिए सैंड पेपर या रेजमाल आप इस तरह से कुछ ले सकते हैं और इसकी अच्छे से घिसाई कर दीजिए हल्के हाथ से, देखिए कुछ इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। अब हम इस पर डिटेलिंग करेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर और इसको रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंद हो उसे पेंट कर दीजिए और एक कोट ड्राई होने के बाद मैंने इस पर सेकेंड कोट कर दिया है और यहाँ पर ये देखिए डबल साइडर टेप का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मार्क करने के लिए कि हमें यह जगह छोड़नी है। आप चाहे तो इसकी जगह साइड में मैंने मेंशन कर रखा, इस तरह की अलग अलग शेप की मैग्नेट मिल जाती है मार्केट में आसानी से, जो आप यहाँ पर पुट्टी लगाते वक्त यहाँ पर आप इसको स्टिक कर सकते हैं ताकि यह परमानेंट इसमें फिक्स हो जाए और फिर आप इसको कहीं पर भी मतलब लगा सके और वापस निकाल सके। लेकिन मैं इसको परमानेंट फिक्स करूँगी और इसमें मैं पानी ना भरकर आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इस पर डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ और इसको बाद में मैं एमसील की मदद से चिपका दूंगी ताकि ये अच्छे से परमानेंट चिपक जाए। और फिर हमने जो कोन रेडी किया था उससे मैंने कुछ इस तरह से डिटेलिंग कर ली। आपको आपके अकॉर्डिंग जोन से भी थीम आपको चूज करनी हो, आपको जैसी भी डिज़ाइन आपको इसमें बनानी हो आप इसमें बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बनाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दे तभी आपका दूसरा वर्क फिनिश करें। मैं इसमें नीचे येलो कलर मेंशन कर रही हूँ, आप चाहे तो आप कोई सा भी कलर यहाँ पर कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने अंदर जो डिज़ाइन मार्क की थी उसके अंदर भी मैंने यहाँ पर येलो कलर फिल कर दिया है। कलर करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है आप भी नहीं बता सकेंगे कि ये मैंने खुद बनाया है।
ये मार्केट में आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा इस तरह के सिरामिक के पॉट कितने कॉस्टली मिलते हैं, कम से कम 500 से नीचे का आपको कुछ भी नहीं आएगा। और ये आपने कितने कम खर्चे में बनाया है, और ये देखिए मैं कुछ और डिटेलिंग करके इसको एकदम रेडी कर लिया है, और इसमें मैंने ब्लैक कलर से मार्किंग कर ली है। और ये देखिए अब मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। यहाँ पर मेरे पास है ये कुछ मनी प्लांट जो अपने टेरेस गार्डन से मैंने अभी कलेक्ट किए हैं, और अब मैं आपको इसमें भर कर दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे। सबसे पहले मैं इसमें पानी फिल कर लेंगे और फिर इसमें मनी प्लांट डाल देंगे। अगर आप चाहे तो आप इसमें ऐसे ही कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लावर डाल सकते हैं, और ये तब भी अच्छा सुंदर लगेगा। इस तरह से इसमें फिल करने के बाद अगर आपने इसमें मैग्नेट अटैच किए तो आप इसको फ्रिज पे लगाइए, काफ़ी सुंदर लगेगा ये दिखने में फ्रिज के ऊपर। चलिए मैं इसको आपको एक बार लगाकर दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया, और ये है मेरा फ्रिज, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से आप फ्रिज के साइड में इसको हैंग कर दीजिए, ये काफ़ी सुंदर लगेगा। लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पर फ्रिज पर नहीं लगा रही हूँ, मुझे इसे परमानेंट लगाना है मेरी एक विंडो के पास, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जगह चूज़ की जिसको मैं एमसील से अच्छे से चिपका दूँगी। सबसे पहले मैंने जो टेप लगाई थी उसको निकाल दी है, और ये एमसील आता है 10-20 रुपए मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसको मैंने दो पार्ट आते हैं मिक्स कर लिया है और इसको यहाँ पर लगा दिया है ताकि ये अच्छे से परमानेंट चिपक जाए। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप भी अपने दिवाली डेकोरेशन में इस तरह के महंगे वाले पॉट घर पर आसानी से बनाए, और आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।